चलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास हम लोग देख चुके थे, लास्ट क्लास तक हम लोग नेचर ऑफ लाइट तक डिस्कस कर चुके थे, ठीक है। लाइट एक्चुअली में दो थ्योरी से मिलकर के लाइट का थ्योरी दिया गया है। एक होता है वेव थ्योरी, एक है हमारा वेव थ्योरी ऑफ लाइट और दूसरा है पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट, ठीक है। पहला थ्योरी में बताया गया कि लाइट वेव्स से मिलके बना हुआ है। इस तरह से हम लोग दिखाते हैं, एक तरह से वेव ये हो गया तुम्हारा, ये पर्टिकुलर अगर एग्जैक्टली देखा जाए तो लाइट इस तरह से वेव के फॉर्म में भी मूव करता है और लाइट पार्टिकल के फॉर्म में भी मूव करता है, ठीक है। तो पार्टिकल दोनों मिला करके बनाया गया, बोला गया है क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, ठीक है। बहुत सिंपल था। और पार्टिकल, अगर लाइट को पार्टिकल कंसीडर करेंगे तो उसका सबसे छोटा एलिमेंट्री पार्टिकल क्या होगा, फोटोन होगा, ठीक है। एकदम याद रखना कि अगर हम लोग पार्टिकल कंसीडर कर रहे हैं तो जो सबसे बेसिक, सबसे छोटा पार्टिकल होता है, एलिमेंट्री पार्टिकल होता है लाइट का, वो फोटोन होता है। चलिए तो हम लोग आज आगे बढ़ते हैं। हम लोग आज डिस्कस करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। अब रिफ्लेक्शन द प्रोसेस, रिफ्लेक्शन होता क्या है, ठीक है, याद रखना। द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक द लाइट रेज विच फॉल ऑन द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बहुत सिंपल है। एक मिरर है या एक सरफेस है, एक लाइट रे जाएगा उसे टकराएगा और वापस से उसी मीडियम में आ जाएगा, ठीक है। हम लोग इसके बाद वाला चैप्टर रिफ्रैक्शन स्टार्ट करने वाले हैं, उसमें क्या होता है, एक मीडियम है, लाइट रे जाएगा, ठीक है, और वो तुम्हारा अब दूसरे मीडियम में चला जाएगा, मतलब आर पार हो जाएगा, ठीक है। कभी भी कार के सामने तुम खड़े रहते होगे ना, या तो सामने वाला शीशा या फिर अगल बगल विंडो वाले शीशे से, मिरर से देखते होगे, तो तुम लोग एक चीज़ नोटिस करते होगे, ठीक है, कि तुमको अंदर बैठा हुआ इंसान भी दिख रहा है, ठीक है, तुमको अंदर बैठा हुआ भी इंसान दिख रहा है और तुमको अपना भी थोड़ा बहुत पार्ट उस मिरर में दिख रहा है, उस शीशे में तुमको अपना भी थोड़ा सा इमेज दिखता है। तो जो तुमको अपना इमेज दिख रहा है वो एक्चुअली होता है रिफ्लेक्शन, ठीक है, वो क्या होता है, रिफ्लेक्शन। क्यों? लाइट तुमसे टकरा करके उस मिरर पे पड़ा और उसके बाद रिफ्लेक्ट करके वापस तुम्हारे आंखों में आया, इसीलिए तुमको अपना ही इमेज तुमको उस शीशे में दिखा। लेकिन रिफ्रैक्शन क्या होता है, लाइट तुम्हारे आंखों से गया और अपोजिट साइड में, मिरर के अपोजिट साइड में तुम्हारा एक इंसान बैठा हुआ है जिसको तुम देख पा रहे हो, वो हुआ रिफ्रैक्शन। तो हम लोग आगे के टॉपिक में रिफ्रैक्शन के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है, रिफ्रैक्शन। तो बहुत सिंपल सा टॉपिक है और बहुत ज़्यादा परेशान होने का जरूरत नहीं है। अभी हम लोग रिफ्लेक्शन पे फोकस करते हैं कि हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है। अगर लाइट किसी मीडियम से टकरा करके उसी मीडियम में बाउंस बैक कर जाए, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है, ठीक है। अब द ऑब्जेक्ट जिससे वो टकरा रहा है वो किस टाइप का होना चाहिए। द ऑब्जेक्ट्स हैविंग पॉलिश्ड shining surfaces reflect more light than object having unpolished and dull surfaces. Obvious बात है कि अगर जो भी object, अगर जितना ज़्यादा shiny रहेगा, ठीक है, जितना ज़्यादा वो चमक रहेगा उसमें, जैसे metals में shine होता है, metals are lustrous, हम लोग पढ़ते हैं metals क्या है, lustrous है, तो metals के आसपास तुम अपना चेहरा रखोगे तो तुमको दिखेगा। नन मेटल्स नन लश्चरस होता है, ठीक है, तो इसीलिए उसमें हम लोग को बहुत हद तक बहुत अच्छे से अपना इमेज फॉर्म किया हुआ नहीं दिखता। बहुत सिंपल सा बात है। तो इसीलिए जिसमें जितना शाइन रहेगा जिस ऑब्जेक्ट में, ठीक है, या शाइनिंग सरफेस या पॉलिश सरफेस रहेगा, तो हम लोगों को लाइट उसमें से दिखेगा, हम लोग को लाइट रिफ्लेक्ट करके हमारा रिफ्लेक्शन उतना ही बढ़िया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मेटल का बात किए तो कौन सा सबसे बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट है, ये पॉइंट याद रखना, क्योंकि अब तो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आने वाला है, तो ये सब पॉइंट्स बहुत अच्छे से ध्यान में रखना होगा तुम लोगों को, ठीक है, कि सिल्वर मेटल इज द वन ऑफ द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट। सिल्वर मेटल में सबसे बेस्ट रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है, क्यों, सबसे ज़्यादा एक तरह से चिकना होता है और एक तरह से लगता है कि बिना पॉलिश के ही वो पॉलिश जैसा दिखता है,
ठीक है, सिल्वर मेटल ही तुम्हारा एक पॉलिश सरफेस रहेगा और बहुत बढ़िया उसमें शाइन आता है, इस वजह से हमको बहुत ज़्यादा उसमें रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, अब मिरर कैसे बनता, मिरर कैसे फॉर्म करता है, मिरर कैसे बनता है, देख लो। ऑर्डिनरी मिरर जो होता है आर मेड बाय डिपॉजिटिंग अ थिन लेयर, ठीक है, ऑफ सिल्वर मेटल ऑन द बैक साइड ऑफ द प्लेन ग्लास शीट। क्या करते हैं, एक मान लो कि हम लोगों ने ले लिया एक ग्लास, ये क्या है, एक ग्लास इमेजिन कर लो, ठीक है। अब इस ग्लास के एक साइड में, किसी एक साइड में क्या कर देंगे, सिल्वर पॉलिश कर देंगे, सिल्वर पॉलिश बोल लो, या फिर आप बोल लो कि उस ग्लास में हम लोगों ने एक लेयर चढ़ा दिया सिल्वर का, ठीक है। तो ये देखो, इसको हम लोग लिखते हैं, इस साइड हो गया सिल्वर पॉलिश्ड, ये है सिल्वर पॉलिश्ड। अब देखो यहाँ पे इस साइड सिल्वर पॉलिश हो गया है, ठीक है, सिल्वर पॉलिश्ड है साइड, तो ये साइड क्या मेरा मिरर का काम करेगा, ये साइड क्या मेरा मिरर का काम करेगा, ये वाला लाइट अब इस पे पड़ेगा तो रिफ्लेक्ट करेगा ना, ठीक है। तो याद रखना, ऑर्डिनरी मिरर, नॉर्मल मिरर्स हम लोग बनाते कैसे हैं, एक साइड हम लोग या तो लेयर्स सिल्वर का ये कर देते हैं या सिल्वर पॉलिशिंग कर देते हैं, ठीक है। द सिल्वर लेयर इज देन प्रोटेक्टेड बाय, उस सिल्वर पॉलिश को एक रेड पेंट से पीछे से पेंट कर दिया जाता है ताकि वो निकल ना जाए आसानी से, ठीक है, वो बस सेफ्टी के लिए रहता है। बाकी मेरा असल काम कौन कर रहा होता है, सिल्वर पॉलिश, ठीक है, सिल्वर का जो परत चढ़ाए लेयर। द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इन अ प्लेन मिरर टेक्स प्लेस एट द सिल्वर सरफेस, बता दिया मैंने, ठीक है, कि सिल्वर सरफेस पे ही होता है, बहुत सिंपल है रिफ्लेक्शन। बस याद रखना कि अगर लाइट रे टकरा करके आ रहा है और एक लाइट रे आ रहा है और टकरा करके उसी मीडियम में वापस आ जाए, उसको रिफ्लेक्शन कहते हैं। और ये रिफ्लेक्शन नॉर्मल मिरर में होता कैसे है, एक साइड हम लोग मिरर को सिल्वर पॉलिश कर देते हैं, घरों में जो आईना लगा हुआ है वो एक तरफ से सिल्वर पॉलिश होता है, इसीलिए थोड़ा सा देखना सिल्वरी कलर का दिखता भी है मिरर, ऐसे तो सब चीज़ रिफ्लेक्ट करेगा लेकिन जो उसमें पड़ रहा है जिसका इमेज ऑब्जेक्ट का वही दिखता है हम लोगों को, लेकिन थोड़ा सा तुम साइड से देखोगे ना तो बहुत सिल्वर टाइप का लगेगा, बहुत सिंपल है, ठीक है। तो ये सिल्वर पॉलिश क्या करता है, रिफ्लेक्शन में हेल्प करता है, क्योंकि सिल्वर इज़ द बेस्ट रिफ्लेक्टर। क्या कारण है कि सिल्वर पेंट किया जाए, क्योंकि सिल्वर मेटल इज वन ऑफ द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट। सिंपल है, बहुत ईजी है, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। अब कभी कभार देखो, सिल्वर थोड़ा सा महंगा भी आता है, ठीक है, सिल्वर थोड़ा सा महंगा भी आता है। तो यहां पे देखो, दीज डेज मिरर्स आर बीइंग मेड इंक्रीजिंगली बाय डिपॉजिटिंग अ थिन कोटिंग ऑफ एल्युमिनियम मेटल एट द बैक ऑफ द ग्लास शीट इंस्टेड ऑफ सिल्वर कोटिंग। क्यों, पैसा, क्या कारण है, पैसा। आप सिल्वर पेंट किया हुआ मिरर कितना दिन तक कितना महंगा पड़ेगा, और हम लोग खासकर इंडियंस को, हम लोग को चाहिए सस्ता चीज़, ठीक है, कि काम हो जाए मेरा, ठीक है, और पैसा भी बच जाए। तो हम लोग क्या करते हैं, आज के डेट में एल्युमिनियम का कोटिंग चढ़ा देते हैं, वो भी एक तरह से देख लो, एल्युमिनियम को देखोगे और सिल्वर को देखोगे तो रिजेंबल लगभग सेम जैसा करता है, देखने में तो एटलीस्ट सेम लगता है पूरा, ठीक है। तो दिस इज बिकॉज एल्युमिनियम इज मच चीपर देन सिल्वर एंड इट रिफ्लेक्ट्स लाइट वेरी वेल। भले सिल्वर जितना बढ़िया ना करे लेकिन काम तो कर ही दे रहा है जी, इंडिया तो पूरा जुगाड़ पे चल ही रहा है, सिंपल सा बात है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग कि प्लेन मिरर, यहाँ पे देखो ये डायग्राम जो हम लोगों ने बनाया, यहाँ पे जो डायग्राम प्लेन मिरर का बना हुआ है, ठीक है, फ्रंट साइड प्लेन मिरर का है, ये पूरा मिरर है, ठीक है, और जो बैक साइड है वो सिल्वर कोटिंग या एल्युमिनियम कोटिंग का चढ़ा हुआ है, ठीक है। अब तुम्हारा ये एम और एम डैश, ठीक है, ये प्लेन हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, जिस साइड तुम लोग को सिल्वर कोटिंग दिखाना होगा, मतलब जिस साइड मिरर नहीं होगा उधर थोड़ा सा डैश डैश करके लाइन बना देना, बहुत सिंपल है, अभी तो हम जस्ट बना के दिखाए थे। देखो
जिस साइड हमको मिरर नहीं दिखाना है, जिस साइड मिरर रहेगा उस साइड प्लेन रहेगा, और जिस साइड सिल्वर कोटिंग दिखाना है वहाँ पे थोड़ा सा डैश लाइन से रिप्रेजेंट कर देना, वो बता देगा कि सिल्वर कोटिंग है वो। ठीक है, वेरी गुड। अब इन आवर डायग्राम अ प्लेन मिरर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ स्ट्रेट लाइन हैविंग अ नंबर ऑफ शॉर्ट ऑब्लिक लाइन्स ऑन वन साइड। ठीक है, हम लोग ऑब्लिक छोटा छोटा ऑब्लिक लाइन्स बना देते हैं सिल्वर पॉलिश को दिखाने के लिए। ठीक है, यहाँ तक मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से मिरर का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, अब आगे अगर देखें तो ये चीज़ समझ लो। एक और चीज़, अगर लाइट रे को हमको रिप्रेजेंट करना होगा हमेशा एक स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। भले तुम वेव थ्योरी में क्या पढ़े कि लाइट वेव्स के फॉर्म में आ रहा है, ठीक है, बट हम लोग उसको क्या रिप्रेजेंट करेंगे, बिल्कुल स्ट्रेट रे। ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट रे। तो यहाँ पे ये वही चीज़ लिखा हुआ है कि अ रे ऑफ लाइट इज द स्ट्रेट लाइन अलॉन्ग विच लाइट ट्रेवल्स। रे क्या होता है, अ रे ऑफ लाइट एक एक सिंगल रे ऑफ लाइट, मतलब एक सिंगल लाइन से हम लोग लाइट का लाइट को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसको हम लोग रे कहते हैं। ठीक है, अब देखो, अ बंडल ऑफ रेज, अगर ढेर सारा रेज मिला दिया जाए तब उसको बीम ऑफ लाइट कहेंगे। ठीक है, देखो बहुत इजी कॉन्सेप्ट है ये। क्या हुआ, अगर लाइट को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ये क्या हुआ, रेज हुआ, एक रे हुआ। ठीक है, सिंगल रे। ठीक है, अब यहां पे लाइट को हम लोग क्या कर रहे हैं, ढेर सारा रेज से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये सिंगल रे के वजह से जो ग्रुप बना, ढेर सारा इस तरह का सिंगल रे लेने से जो ग्रुप बना उसको हम लोग कहते हैं बीम ऑफ लाइट। क्या कहते हैं, बीम ऑफ लाइट। सिंपल है, याद रखना और लिख लेना जरूर से। ठीक है, रे, सिंगल रे और सिंगल लाइन से जो लाइट को रिप्रेजेंट किया जाए उसको रे कहा जाता है। ग्रुप या फिर बंडल ऑफ रेज को हम लोग बीम ऑफ लाइट कहते हैं। बहुत सिंपल है। ठीक है, अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम प्लेन सर्फेसेस। अब लाइट रिफ्लेक्ट करता कैसे है बाबू, ठीक है, लाइट रिफ्लेक्ट कैसे करता है प्लेन मिरर में। देखो, द रे ऑफ लाइट विच फॉल्स ऑन द मिरर सर्फेस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। ये चीज़ समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये चीज़ सबसे पहले हम समझा देते हैं। मान लो कि एक मिरर बनाते हैं, ठीक है, ये एक मिरर है। ठीक है, अब एक साइड हमको पॉलिश सिल्वर पॉलिशिंग दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस साइड हम लोग मान लो सिल्वर पॉलिशिंग दिखा देते हैं। तो यानी कि मिरर मेरा ऑन द लेफ्ट हो गया और सिल्वर पॉलिश ऑन द राइट हो गया। अब देखिए, अगर एक रे ऑफ लाइट को हम दिखा रहे हैं, इस पे इंसिडेंट किया, एक रे ऑफ लाइट इस पे इंसिडेंट किया, तो इसको इंसिडेंट रे कहेंगे। इंसिडेंट का मतलब ही होता है पहला रे जो टकराया। ठीक है, तो इंसिडेंट रे क्या होगा, जो मेन रे आएगा मेरा। ठीक है, अब याद रखना कि ये रे यहां से टकरा करके लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करेगा। ठीक है, और यहां से टकरा करके दूसरे उसी साइड में आ गया। ठीक है, तो मेरा नाम क्या हो जाएगा, ये जो लाइन है, ये रे देखो क्या इधर से आया। ठीक है, इसको हम लोग कहेंगे इंसिडेंट रे। जो मेन रे होता है जिससे हम लोग लाइट को रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। लाइट टकरा करके इधर से गया, ठीक है, इसको हम लोग कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे। कोई दिक्कत, बहुत सिंपल है, रिफ्लेक्टेड रे। ये क्या था, मेरा मिरर था, वो हम लिख नहीं रहे। ठीक है, अब ये क्या नॉर्मली इसी तरह से आता है और इसी तरह से चला जाता है, नहीं, ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करता है। ठीक है, पहले पढ़ा हुआ है तुम लोग क्या लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। ठीक है, तो सबको पता होगा, यहाँ पे एक नॉर्मल जिस पॉइंट पे लाइट टकराया उस पॉइंट पे हम लोग क्या बना देते हैं, इस मिरर का परपेंडिकुलर बना देते हैं। कोई दिक्कत, जिस पॉइंट पे, ये देखो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, ये पॉइंट कौन सा पॉइंट कहेंगे, जिस पॉइंट पे मिरर के जिस पॉइंट पे इंसिडेंट रे टकराया उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोला जाता है।
और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से मिरर का एक परपेंडिकुलर बनाएंगे जिसको हम लोग कहते हैं नॉर्मल। ये क्या बना मेरा बाबू? नॉर्मल। दिस इज नॉर्मल, ठीक है। अब नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में एक एंगल का फॉर्मेशन होता है। देख लो, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में एक एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है। दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनेगा उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं और वो आई से रिप्रेजेंट होता है। और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनता है उसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं और वो किससे रिप्रेजेंट होता है? आर से रिप्रेजेंट होता है। बोलो, कोई दिक्कत? बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, आराम से समझा जा सकता है, ठीक है। अब इसी के बारे में आगे डिस्कशन किया गया है, देख लीजिए। द रे ऑफ लाइट विच फॉल्स ऑन द मिरर सरफेस, जो रे मिरर सरफेस पे पड़ रहा है उसको हम लोग इंसिडेंट रे बोलेंगे। द पॉइंट एट विच द इंसिडेंट रे फॉल्स ऑन द मिरर इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। बता दिया मैंने, ये सब अपना नोट्स में बकायदा अच्छे से लिख लेना, ठीक है। अब अगला कॉन्सेप्ट आता है द रे ऑफ लाइट विच इज सेंट बैक टू द बाय द मिरर इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। जो रे टकरा करके वापस आया उसको हम लोग रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे। बोलो, कोई दिक्कत? ठीक है, आज का क्लास बोरिंग उतना होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि सब समझ में आएगा और अच्छा लगेगा। द नॉर्मल, अब देखो नॉर्मल क्या होता है। द नॉर्मल इज द लाइन एट राइट एंगल टू द मिरर सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इसको हम सिंपल वर्ड्स में समझा चुके हैं। नॉर्मल वो परपेंडिकुलर लाइन है मिरर पे जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे बनता है। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे मिरर का परपेंडिकुलर बना दीजिए। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे मिरर का परपेंडिकुलर किसका होगा? वो मिरर का होगा, ठीक है। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे मिरर का परपेंडिकुलर बनाओगे तो उसको नॉर्मल कहेंगे। क्लियर है कॉन्सेप्ट? वेरी गुड। अब आगे आते हैं द एंगल ऑफ इंसिडेंस। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज द एंगल मेड बाय इंसिडेंट रे विद द नॉर्मल। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल है उसको इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे, और जो तुम्हारा रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल है उसको हम लोग क्या कहेंगे? नहीं, जो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल है उसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहेंगे, डिनोटेड बाई स्मॉल आर, ठीक है। बहुत सिंपल है, यहाँ कन्फ्यूज मत होना। देख लो, एकदम बढ़िया फिगर बनाया हुआ है, मेरे फिगर से ज़्यादा अच्छा बनाया है, ठीक है। ये रहा मिरर, पीछे सिल्वर पॉलिशिंग है, इंसिडेंट रे आया, ठीक है। इस पॉइंट, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस था, यहाँ से हम लोगों ने नॉर्मल बना दिया। हम पीछे भी बना दिए थे बट तुम लोग सिर्फ आगे ही बनाना काफ़ी है, ठीक है, क्योंकि इधर तो कुछ हो रहा नहीं है, इधर तो सिल्वर पॉलिश है, तो नॉर्मल सिर्फ आगे बना। अब क्या है, ये यहाँ से एंगल मतलब रिफ्लेक्टेड रे यहाँ से गया। अब नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो बना वो एंगल ऑफ इंसिडेंस था, डिनोटेड बाय स्मॉल आई, और जो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एंगल था वो है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, डिनोटेड बाय स्मॉल आर। बहुत सिंपल है, अब समझ में आ गया। अब हम लोग दो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे इसके बाद। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कितना है? दो। सबसे पहला, ये जो एंगल आई और एंगल आर फॉर्म किया, दिस इज एंगल आई एंड दिस इज एंगल आर, ये जो आई और आर फॉर्म किया वो हमेशा बराबर होता है। एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर, एक तरह से कह लो दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ऐसे सेकंड में भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ऑर्डर उल्टा पुल्टा किया जा सकता है, ठीक है। तो जब भी रिफ्लेक्शन होता है तो हमेशा याद रखना एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा बराबर होता है। और दूसरा लॉ क्या है, ये जो इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, एंड द नॉर्मल, ये तीन लाइनें देख लो, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, कहाँ पे? एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, यहाँ पे All lie in the same plane.
बहुत सिंपल सा बात है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एक ही प्लेन में लाई करता है। एक प्लेन मतलब उसको एक पेज में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ठीक है। अलग अलग जगह 3D फिगर ने 2D फिगर में आराम से तुम रिप्रेजेंट करोगे, वही चीज़ होता है। प्लेन मतलब एक तरह से समझ लो सिंगल शीट ऑफ पेपर के जैसा एक प्लेन हो गया, और उसी प्लेन में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, 3D इमेज फॉर्म करता नहीं है, ठीक है। चलिए, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन मेरा बहुत अच्छे से हो गया, ठीक है। हम लोग पहला फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या दिया हुआ है बाबू, जो हम सेकेंड में बोले वो दिया हुआ है, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इसके अकॉर्डिंग द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, किस जगह पे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे, इसीलिए लिखा गया एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। सभी क्या करते हैं, ऑल लाई इन द सेम प्लेन, वेरी गुड। अब आगे आते हैं सेकेंड लॉ, बिना जाने सबको याद रहेगा, ठीक है। सेकेंड लॉ क्या कहता है, सेकेंड लॉ मेरा कहता है कि द सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, इसमें कहता है कि द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर से दोनों पॉइंट को याद रखना, ठीक है। ये जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वाला ये है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। ये दोनों पॉइंट्स आराम से याद हो गया, कोई दिक्कत नहीं आया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जब पढ़ा रहे हैं कोशिश करना जब पढ़ाया जाए उसी समय याद कर लिया जाए, ठीक है। 50% मेहनत ख़त्म हो जाता है। थोड़ा सा कष्ट हो रहा होगा तुम लोग को स्कूल से सीधा आके यहाँ पहुँच, क्या नहीं, पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं होता, क्योंकि एक ही पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। वहाँ पे इंसिडेंस किया, वहाँ पे टकराया, टकराने को ही, या फिर जहाँ पे वो पड़ा किस कोई चीज़, ठीक है, उसी को इंसिडेंस कहते हैं, ठीक है। तो इसलिए कि रिफ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन नाम का कोई चीज़ नहीं होता, ठीक है। या फिर कह सकते उसी पॉइंट को पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन भी कह सकते हैं, क्योंकि वहीं से तो रिफ्लेक्ट भी हो रहा है ना, बट हम लोग पॉइंट ऑफ इंसिडेंस नाम से ही जानते हैं, ठीक है। वेरी गुड, अब आते हैं, देखो यहाँ पे कुछ एक्सपेरिमेंट करके दिखाया। देखो 35 डिग्री पे एंगल ऑफ इंसिडेंस था तो रिफ्लेक्शन कितने डिग्री पे होगा, 35 पे। 45 पे एंगल ऑफ इंसिडेंस था तो रिफ्लेक्शन कितना पे हुआ, 45 पे। इसमें और क्या डिस्कशन करने का जरूरत है, नहीं मेरे ख्याल से, ठीक है। चलिए, अब एक चीज लास्ट कॉन्सेप्ट समझ लो। मान लो कि एक मिरर है मेरा, ठीक है, मान लो कि एक मिरर है मेरा, ठीक। ये क्या है, सिल्वर पॉलिश्ड है ना, सिल्वर पॉलिश किया हुआ है, मतलब इस साइड मिरर नहीं है, मिरर ऊपर के साइड में है, ठीक है। अब कोई रे ऑफ लाइट अगर इस पे परपेंडिकुलरली पड़ गया, परपेंडिकुलरली आ गया इस पे, ठीक है, 90 डिग्री का एंगल बना करके, ठीक है, तो मेरे को बताओ ये लाइट रे किधर को जाएगा, ये परपेंडिकुलर है इसमें, लाइट रे ऐसे आ रहा है, एरो से हम लोग, एरोज आर वेरी इंपॉर्टेंट, एरोज इस चैप्टर में एरोज जरूर से जरूर सही से दिखाना कि तुम्हारा लाइट किधर से आया और किधर को जाने वाला है, ठीक है। तो अगर ये तुम्हारा लाइट रे इस डायरेक्शन में आ रहा है तो वो तुम्हारा रिफ्लेक्ट करके किधर जाएगा, मेरे को बता दो, हाँ उसी लाइन में जाएगा, हमेशा याद रखना, ठीक है। एक तरह से तुम समझो कि अगर हम इसी लाइन में नॉर्मल बनाए गए, अगर इसी लाइन में हम नॉर्मल बनाए, ठीक है, इसी लाइन में अगर हम नॉर्मल बनाए तो इतना बनाने का जरूरत नहीं है। ये ग्रीन वाला लाइन क्या बना रहे हैं, नॉर्मल, चलो थोड़ा सा बगल में बना देते ताकि समझना आसान हो जाए, ये मेरा नॉर्मल है, ठीक है। अब इंसिडेंट रे और नॉर्मल एक दूसरे के ऊपर ही चढ़ा हुआ है तो उन दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। अब 0 डिग्री पे अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस है
तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करेगा तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा? 0 डिग्री। तो वो लाइट रे क्या उसी पाथ पे रिटर्न हो जाएगा? क्या उसी पाथ पे रिटर्न हो जाएगा? जिस स्पीड से आया उसी स्पीड से उसी पाथ पे उल्टे पांव भाग गया, ठीक है, बिल्कुल ऐसे समझ लो, ठीक है, उस जिस पाथ पे आया उसी पाथ पे उल्टे पांव भाग गया। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। यहां पे सीधा सा बोल दिया है, यहां पे देख लो, अ रे ऑफ लाइट, अ रे ऑफ लाइट, ठीक है, अ रे ऑफ लाइट विच इज इंसिडेंट नॉर्मली या फिर परपेंडिकुलरली ऑन द मिरर इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ बिकॉज द एंगल ऑफ इंसिडेंस एज वेल एज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर सच अ रे ऑफ लाइट आर 0। रीजन याद रखना क्यों होता है, ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट है कि तुम्हारा रिफ्लेक्ट बैक करेगा जब परपेंडिकुलरली फॉल करेगा रे, ठीक है, सरफेस पे, मिरर के सरफेस पे, तो हमेशा याद रखना कि वो उसी पाथ पे वापस आ जाएगा। ये ऐसे सबको याद रहेगा, बट रीज़न याद रखना, रीज़न पे फोकस करना। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे का एंगल 0 हो जाता है, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 हो जाता है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 हो जाएगा, जिस वजह से वो अपने ओरिजिनल पाथ को ट्रेस बैक कर लेता है, ठीक है, मतलब ओरिजिनल पाथ पे ही चला जाता है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं आगे का अपना कॉन्सेप्ट में। अब ये चीज़ हमेशा याद रखना कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ये जो तुम्हारा द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है बाबू, ये मेरा अप्लाई टू ऑल काइंड्स ऑफ मिरर, प्लेन मिरर एज वेल एज स्पेरिकल मिरर, एज वेल एज स्पेरिकल मिरर लाइक कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। मिरर का टाइप भी पढ़ेंगे, लेकिन याद रखो कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हर एक चीज़ पर लागू होता है, ठीक है। जितना चीज़ पे रिफ्लेक्शन होगा लाइट का, उन हर चीज़ों पे, उन हर चीज़ पे तुम्हारा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लागू होगा। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब आते हैं रेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन पे, ठीक है, रेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन पे। क्या हो गया भाई, इतना हंसी क्या? देखो हम कुछ बोले क्या? अब रेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता क्या, ठीक है, देखो, इन रेगुलर रिफ्लेक्शन, देखो इन रेगुलर रिफ्लेक्शन अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट, अ पैरेलल बीम ऑफ इंसिडेंट लाइट इज रिफ्लेक्टेड एज अ पैरेलल बीम इन वन डायरेक्शन, ठीक है। अगर तुम्हारा लाइट रे आएगा, देखो ये है मिरर, ये है सिल्वर पॉलिश, ठीक है, अगर ढेर सारा लाइट रे आ रहा है, ठीक है, ढेर सारा लाइट रे आ रहा है, देखो कलर हम अलग कर देते हैं, ये लाइट रे आया इधर को रिफ्लेक्ट कर गया, ठीक है, ये लाइट उससे पैरेलल आया इधर को रिफ्लेक्ट कर गया, अब ये लाइट आया इसके साथ रिफ्लेक्ट कर गया। देखो सभी आपस में पैरेलल हैं और रिफ्लेक्शन भी पैरेलल है, अगर थोड़ा बहुत मेरा टेढ़ा हो गया होगा तो समझ लेना फीलिंग्स, बट सभी एक्चुअली में पैरेलल है एक दूसरे के साथ, ठीक है। अगर पैरेलल बीम ऑफ लाइट आएगा और स्मूथ सरफेस से टकराएगा तो उसका जो रिफ्लेक्शन होगा वो रेगुलर रिफ्लेक्शन कहलाता है, ठीक है। अब देखो समझो, अगर मान लो सरफेस ही टेढ़ा मेढ़ा है, ठीक है, सरफेस ही टेढ़ा मेढ़ा है, ठीक है, अब एक लाइट रे आया, एक लाइट रे तुम्हारा आया, ये टकराया, ये इधर चला गया, उसी से पैरेलल दूसरा लाइट रे आया, मान लो ये यहां टकराया, ये इधर को भाग गया, ठीक है, अब तीसरा लाइट रे आया मान लो यहां पे और ये इधर को भाग गया। देखो आया तीनों रे पैरेलल ही है बट रिफ्लेक्शन अलग अलग डायरेक्शन में हुआ है, क्यों? क्योंकि एक तरफ तुम्हारा एक तुम्हारा पूरा जो सरफेस है जिस पे वो रिफ्लेक्शन हो रहा है वो अलग अलग सरफेस है, वो स्ट्रेट नहीं है, मतलब टेढ़ा मेढ़ा है, ठीक है। अब देखना क्या लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इसमें फॉलो हो रहा है, देख के क्या लग रहा है? नहीं, लेकिन हो रहा है, एकदम हो रहा है। हम लोग सबको एक साथ कंसिडर क्यों करें? हम लोग हर रे को अपना अपना कंसिडर करते हैं ना। अब देखो कैसे हो रहा है, बताते हैं, ठीक है। देखो अगर यहां पे नॉर्मल बनेगा,
तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होगा। इसके लिए ये तो सरफेस ही टेढ़ा है ना, यहाँ पे जो ये हुआ, तो इसके लिए भी नॉर्मल जो बनाएंगे, ठीक है, इसके लिए जो नॉर्मल बनाएंगे उसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन तो बराबर ही होगा। अब इस रे को देखो, इसके लिए सरफेस इस तरह से है, तो नॉर्मल भी क्या बनेगा, इस तरह से बनेगा, तो इसमें भी तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होगा। हर रे अपना अपना लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को सेटिस्फाई जरूर करता है, ठीक है। अगर रेगुलर रिफ्लेक्शन है, देखो इसमें तो बहुत आराम से समझा जा सकता है, पूरा तीनों नॉर्मल आपस में तीनों नॉर्मल पैरेलल होगा, लेकिन इसमें नॉर्मल ही टेढ़ा मेढ़ा है, ठीक है, क्योंकि सरफेस टेढ़ा मेढ़ा है। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन रहे चाहे डिफ्यूज रिफ्लेक्शन रहे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जरूर से फॉलो होता है हर पर्टिकुलर रे के लिए। कोई दिक्कत, समझ में आया ये कॉन्सेप्ट? देख लो अब क्या लिखा हुआ है, ठीक है। इन रेगुलर रिफ्लेक्शन अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट, इंसिडेंट लाइट इज रिफ्लेक्टेड एज अ पैरेलल बीम इन वन डायरेक्शन। पैरेलल बीम आएगा और पैरेलल बीम के तरह रिफ्लेक्ट होगा एक ही डायरेक्शन में। दूसरा चीज, ठीक है, रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑकर्स फ्रॉम स्मूथ सर्फेसिस लाइक अ प्लेन मिरर और अ हाईली पॉलिश्ड मेटल सर्फेसिस। मेटल सरफेस को पॉलिश कर दो, पूरा चिकना बना दो, या प्लेन मिरर, वो सबका सरफेस क्या होता है, पूरा एकदम चिकना होता है, ठीक है, उसमें कोई भी रफनेस नहीं होता, तो इसीलिए रेगुलर रिफ्लेक्शन देता है ये लोग, ठीक है। अ प्लेन मिरर प्रोड्यूसेस रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब आगे का कॉन्सेप्ट में चलते हैं। अब तुम्हारा डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में अगर आए, ठीक है, देखो यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से सुंदर सा डायग्राम से समझाया गया है कि रेगुलर रिफ्लेक्शन किस तरह से होता है। अगर फिगर ड्रॉ करने आए तो चाहे ऐसे बनाओ मिरर, चाहे ऐसे बनाओ, जैसे भी बनाओ, जो लाइट रे आ रहा है वो सबको पैरेलल रखना और रिफ्लेक्शन भी सबको पैरेलल रखना, ठीक है। और ये देखो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, ठीक है, देखो जो लाइट रे आया वो तो पैरेलल था आपस में, लेकिन क्योंकि सरफेस टेढ़ा मेढ़ा था, ठीक है, रफनेस था सरफेस पे, तो सब लाइट इधर उधर क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूट हो गया, भाग गया, लेकिन क्या लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो हो रहा है सब में? हाँ बिल्कुल हो रहा है, ठीक है, क्योंकि सरफेस के अकॉर्डिंग अगर देखोगे तो इसका नॉर्मल बनेगा ये, इसका नॉर्मल बनेगा ये, इसका नॉर्मल बनेगा ये, सब में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो हो रहा है बिना किसी डाउट, बिना किसी परेशानी के, कंफ्यूजन के, ठीक है, याद रहेगा ये वाला बात। अब देखिए इन डिफ्यूज रिफ्लेक्शन अ पैरेलल बीम ऑफ इंसिडेंट लाइट, ठीक है, इज रिफ्लेक्टेड इन डिफरेंट डायरेक्शन। और ऐसा क्यों होता है? रीजन रफनेस ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सर्फेस की वजह से, है ना। तो द डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस फ्रॉम रफ सर्फेसेज लाइक पेपर, कार्डबोर्ड, चॉक, टेबल, कोई भी जिसका सर्फेस रफ हो, ठीक है, या फिर अनपॉलिश्ड मेटल ऑब्जेक्ट। मेटल ऑब्जेक्ट भी अगर अनपॉलिश्ड रहेगा, ठीक है, मेटल का ऑब्जेक्ट अगर चिकना नहीं रहेगा तो उसको हम लोग, उसमें डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। अब ये देखो यहां पे बताया, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज नॉट ड्यू टू फेलियर ऑफ द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का फेलियर होता है? नहीं, फॉलो हो रहा है, बट किसी और कारण के वजह से हो रहा है, क्योंकि सरफेस ही अलग है। देखो यहां पे लिखा हुआ था, पार्टिकल्स ऑफ अ रफ सरफेस आर ऑल फेसिंग इन डिफरेंट डायरेक्शन। वो जो रफ सरफेस का पार्टिकल है, क्योंकि टेढ़ा मेढ़ा है, तो वो हर बार अलग अलग डायरेक्शन में फेस कर रहा है, तो जिस भी डायरेक्शन में फेस कर रहा है उस डायरेक्शन में लाइट को भेज देगा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करवाता हुआ। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, ठीक है, आराम से समझ में आया होगा। अब मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट अराउंड अस कॉज डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, ठीक है, ऑफ लाइट एंड स्कैटर द लाइट फॉलिंग ऑन देम इन ऑल डायरेक्शन। ठीक है, लगभग सभी चीज क्या करता है, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कर रहा है, इधर उधर लाइट को भेज दे रहा है, ठीक है, ये एकदम याद रखना, क्योंकि सभी सरफेस, ये दीवार को देखो, रफ सरफेस है, लाइट इस पे पड़ेगा तो इधर उधर भागेगा कि नहीं भागेगा,
ठीक है, हमेशा याद रखना। और देखना, कभी भी तुम नॉर्मल दीवार वाले रूम में रहोगे और एक ये मान लो 9 वाट का एक बल्ब जलाए, उसमें जो रोशनी लगेगा, और एक मार्बल वाला रूम में रहोगे, ठीक है, मार्बल या टाइल्स जिसमें दीवारों पे लगा हुआ है, उस रूम में जो रोशनी करेगा, हमेशा देखना इंटेंसिटी तुमको ज़्यादा मिलेगा। क्यों? क्योंकि लाइट एक जगह पे फोकस होकर के आ रहा है, और नॉर्मल दीवारों में क्या हो जाता है, लाइट डिस्ट्रीब्यूट हो जाने की वजह से हमको इंटेंसिटी लाइट का कम मिलता है। ठीक है, अब भैया टाइल्स मार्बल वाले घर पे तो हम रहते नहीं, जो रहता है वो आज जाके एक्सपेरिमेंट कर लेना, ठीक है, देख लेना ये वाला चीज़। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला टॉपिक है हमारा ऑब्जेक्ट एंड द इमेजेस। अब ये बहुत सिंपल सा चीज़ है, बहुत ज़्यादा इलेबोरेट करने का जरूरत नहीं है। ऑब्जेक्ट और इमेज सब जानता है क्या होता है। जो मेन ऑब्जेक्ट है जिससे लाइट टकरा करके आएगा वो तुम्हारा ऑब्जेक्ट होगा, और जो उसका इमेज बनेगा वो तुम्हारा इमेज होगा। ऑब्जेक्ट इज ऑब्जेक्ट एंड इमेज इज इमेज, सिंपल टर्म्स में कहे तो। एनीथिंग विच गिव्स आउट लाइट। अब थोड़ा सा कलर चेंज करने का टाइम आ गया, बोरिंग सा हो रहा है। अब एनीथिंग विच गिव्स आउट लाइट रे, जो भी चीज़ जो लाइट रे देगा, ठीक है, आइदर इट्स ओन और रिफ्लेक्टेड बाय, भले खुद का रोशनी दे, जैसे सन, ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस बताए थे, ल्यूमिनस जिसमें खुद का रोशनी होता है, ठीक है, और नॉन ल्यूमिनस जैसे जिसका खुद का रोशनी नहीं होता है बट रिफ्लेक्ट बैक करता है। ठीक है, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। अब या तो वो खुद का लाइट दे या तो लाइट को रिफ्लेक्ट बैक करे, ठीक है, तो उस तरह के चीज़ों को हम लोग ऑब्जेक्ट कंसिडर करते हैं, ठीक है, इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट। वाओ, ठीक है। अब इमेज इज एन ऑप्टिकल अपीयरेंस प्रोड्यूस्ड व्हेन द लाइट रे कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द प्लेन मिरर। ठीक है, कलर चेंज, ठीक है, लाइट का ड्यूअल नेचर होता है, यहाँ पे मेरे बोर्ड में ड्यूअल कलर्स आ रहा है, ठीक है, बिना चेंज किए, भाई टैलेंटेड बोर्ड है, जान रहा है कि लाइट पढ़ा रहे, ठीक है। अब देखो, इमेज ऑप्टिकल अपीयरेंस होता है, इमेज क्या होता है, ऑप्टिकल अपीयरेंस होता है, ऑप्टिकल मतलब रिफ्लेक्शन के बाद दिखने वाला चीज़ जो होता है, ऑप्टिकल, ठीक है, मिरर वगैरह से कोई चीज़, ऑप्टिकल सेंटर, चश्मा का दुकान, बहुत जगह देखा होगा, ठीक है, तो ऑप्टिकल मतलब जहाँ मिरर का बात आ जाए वो ऑप्टिकल कहते हैं, ठीक है। तो इमेज एक ऑप्टिकल अपीयरेंस है जो प्रोड्यूस होता है व्हेन लाइट रेज कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट, जब ऑब्जेक्ट से निकलने वाला लाइट रे या रिफ्लेक्ट होकर के आने वाला लाइट रेज आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ मिरर या लेंस, मिरर से टकरा करके जो लाइट रे अगर हमको जो दिखेगा, जो ऑप्टिकल अपीयरेंस, मेन वर्ड यही याद रखना, ये एक ऑप्टिकल अपीयरेंस है, ठीक है, जो ऑप्टिकल अपीयरेंस होता है ऑब्जेक्ट का उसी को हम लोग इमेज कह देते हैं, बस बात खत्म, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, ठीक है। अब हम लोग मिरर में अपने चेहरे को देखते हैं तो हमको, हम लोग क्या हुए मिरर के लिए, हम लोग एक तरह से ऑब्जेक्ट हुए। देखो हम ऑब्जेक्टिफाई नहीं कर रहे, लोगों का ऑब्जेक्टिफाई नहीं कर रहे, बट समझना कि हम लोग, हम सबको बोल रहे हैं कि हम लोग एज अ ऑब्जेक्ट खड़े हैं, और मिरर पे जो हमको दिख रहा है वो क्या है, हमारा इमेज, बहुत सिंपल, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं रियल और वर्चुअल। यहां से देखना और यहां से अच्छे से समझना, यहां से देखना और इसको अच्छे से समझना, रियल एंड वर्चुअल इमेजेस क्या होता है। देखो पहला बात तो समझाया जाए तो, अगर लाइट रे एक्चुअल में कहीं मीट करके इमेज बनाता है, लाइट रे अगर एक्चुअल में मीट करके इमेज बनाता है तब उसको हम लोग कहते हैं रियल इमेज, ठीक है। और अगर लाइट रे मीट ना करे, लगे कि कहाँ, कहीं से बन रहा है, कहीं से फॉर्म हो रहा है, ठीक है, कहीं से आ रहा है, तो उसको कहते हैं वर्चुअल इमेज। रियल इमेज और वर्चुअल इमेज का बस बेसिक कॉन्सेप्ट पहले याद रख लो, दिमाग में बैठा लो। रियल इमेज में लाइट रेज एक्चुअल में मीट करता है, और वर्चुअल इमेज में लाइट रेज एक्चुअल में मीट नहीं करता है। देखो अब आगे पढ़ते हैं तब तुमको बेटर समझ में आएगा। द इमेज
विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड रियल इमेज। अब लाइट रे अगर एक्चुअल में मीट कर रहा है तो उसको हम लोग किसी भी स्क्रीन पे या स्क्रीन पे हम लोग देख सकते हैं कि नहीं देख सकते, बोलो। अगर लाइट रे एक्चुअली में मीट करेगा किसी चीज़ का तो उसको हम लोग स्क्रीन में उतार सकते हैं। एक मान लो कि एक पर्दा लगा दिए और उस पर लाइट रे को मीट करवा दिए तो हमको इस एक स्क्रीन पे उसका इमेज बनता हुआ दिख गया, ठीक है। तो रियल इमेज को हम लोग स्क्रीन पे उतार सकते हैं, ठीक है। कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, ठीक है। जैसे इमेजेस फॉर्म्ड ऑन सिनेमा स्क्रीन इज एन एग्जाम्पल ऑफ रियल इमेज। सिनेमा हॉल में जो हम लोग का स्क्रीन पे पर्दा पे इमेजेस को दिखाया जाता है वो क्या है, रियल इमेजेस, ठीक है। अब अगर आगे बढ़े तो हम लोगों को समझ में आएगा कि क्या पूरा कॉन्सेप्ट है। देखो, रियल इमेज कैन बी फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन बिकॉज लाइट रे एक्चुअली पास थ्रू द रियल इमेज, है ना, पास थ्रू अ रियल इमेज। मतलब तुम समझ लो कि वो जो इमेज बन रहा है उसमें एक्चुअली लाइट रे पास करता है, ठीक है। बहुत सिंपल है। रियल इमेज कैन बी फॉर्म बाय अ कनकेव मिरर ऑल्सो, ठीक है। कनकेव मिरर, रियल इमेज कौन फॉर्म करता है ये याद रख लो, कनकेव मिरर। मिरर के बारे में आएंगे अभी हम लोग, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर, बट पहले ही समझ लो कि रियल इमेज को कौन फॉर्म करता है, कनकेव मिरर। अरे ये जब तक इसका टिप नहीं मिल जाता तब तक बहुत दिक्कत होने वाला है। चलो, रियल इमेजेस कनकेव मिरर फॉर्म करता है। अब आगे बढ़ते, दोनों का ही टिप एक्चुअली गिर गया, बहुत नुकसान है भाई। यहाँ पे देखिए, सुंदर सी लड़की अपने आप को देख रही है, ठीक है। देखो, अब द इमेजेस विच कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, ऐसा इमेजेस जिसको हम लोग स्क्रीन पे नहीं ऑब्टेन कर सकते उसको हम लोग वर्चुअल इमेज कहते हैं। ऑब्वियस बात है, तुम आईने में अपना चेहरा देखते हो, क्या उसको किसी और स्क्रीन पे उतार सकते हो? नहीं, ठीक है। आईने में जाके हम बोल देंगे जाओ इस तुम्हारा जो इमेज बन रहा है उसको एक स्क्रीन पे उतार के दिखाओ, स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट करवा के दिखाओ, नहीं होगा, नॉट पॉसिबल, ठीक है। अब द इमेज कैन द वर्चुअल इमेज कैन बी सीन ओनली बाय लुकिंग इनटू द मिरर, ठीक है। सिर्फ डायरेक्टली देख करके ही हम देख सकते हैं उसको। तो रियल इमेज को हम लोग स्क्रीन पे उतार सकते, कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, एंड वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, ठीक है। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। जो हम लोग सिनेमा हॉल एग्जाम्पल, सिनेमा हॉल की स्क्रीन पे जो हम लोग को इमेज दिखता है दैट इज़ अ रियल इमेज, और जो हम लोग को खुद का इमेज दिखता है मिरर पे दैट इज़ अ वर्चुअल इमेज, ठीक है। डेफिनेशन के साथ एक एक एग्जाम्पल दे दो, बेस्ट डेफिनेशन तैयार हो गया, ठीक है। सिंपल सा लॉजिक है। अब ये कौन इमेजेस ऑफ आवर फेस इन अ प्लेन मिरर इज कॉल्ड, ये एग्जाम्पल हो गया। अब वर्चुअल इमेज को अनरियल इमेज भी कहते हैं। देखो, नॉर्मली हम लोग वर्चुअल इमेज ही यूज़ करेंगे इसका नाम, ठीक है, बट अनरियल भी कहते हैं, ये याद रख लो। कहीं कहीं हो सकता है ऐसे रियल का अपोजिट अनरियल, सबको पता होगा, ठीक है। तो भी बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। अब अगर रियल इमेज को कॉनकेव मिरर फॉर्म कर रहा था तो वर्चुअल इमेज को कौन फॉर्म करेगा, कन्वेक्स मिरर, ठीक है। याद रखना, कॉनकेव मिरर कौन सा इमेज फॉर्म करता है, रियल, और कन्वेक्स मिरर कौन सा इमेज फॉर्म करेगा, वर्चुअल। वेरी गुड, इसी का तो रे डायग्राम पढ़ेंगे हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बताएंगे। चलो आगे आते हैं, वो पढ़ेंगे हम लोग अभी। वर्चुअल इमेज एक तरह से इल्यूजन है, इल्यूजन मतलब छलावा, ठीक है। इल्यूजन मतलब एक तरह से छलावा है, मतलब एक्चुअल में है नहीं बट दिख रहा है, मतलब एक्चुअल में तो होता है, उसका इमेज एक्चुअल में नहीं है। मतलब समझ लो कि हम लोग को बस इल्यूजन दिखता है, उसका शेप दिखता है। हम लोग खड़े हो गए आईना में तो हम लोग को बहुत सुंदर सा अपना शक्ल दिखेगा,
चाहे कोई भी हो, अपने आप को तो सब सुंदर समझता है, ठीक है, चाहे एक्चुअली में सब सुंदर होता भी है, लेकिन तुम एक तो चीज़ गौर करना, क्योंकि हम लोग अपने आप को बचपन से देख रहे होते हैं ना, तो हम लोग अपने आप को हमेशा इतना देखते देखते हैबिट हो जाता है कि हम लोग आईने में देखेंगे अपने आप को, वाओ हमसे प्यारा तो दुनिया में कोई नहीं, ठीक है। तो सिंपल सा लॉजिक है यहाँ पे, इसीलिए बोला गया वर्चुअल इमेज इज एन इल्यूजन, छलावा है छलावा। चलो देखो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब इसको हमको लगता नहीं है कि एक्सप्लेन करने का ज़्यादा जरूरत है, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन अ प्लेन मिरर, अब इमेज प्लेन मिरर में फॉर्म कैसे करता है, ठीक है, बहुत सिंपल है, हमेशा दो रे ऑफ लाइट से दिखा दो उसको, ठीक है। ये देखो यहाँ पे ये फिगर है, हम बनाएंगे नहीं, अब इसी से समझा दे रहे हैं। फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन अ प्लेन मिरर, एक मिरर बनाया गया एम एम डैश, ये पॉइंट रखे, इस एंड का नाम रख दिए M और इस पॉइंट का नाम रख दिए M डैश, ये है मिरर। ऑन द राइट इसके सिल्वर पॉलिश्ड है, यानी कि मिरर मेरा किस साइड पड़ेगा, ऑन द लेफ्ट साइड सीधा। अब देखो एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे, प्यारा सा ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है जिसको O से डिनोट किया गया है, दिस इज एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट से दो रेज निकालो, इस ऑब्जेक्ट से क्या करो, दो रे निकालो, एक रे तुम्हारा गया यहां, ठीक है, ऐसे एक बार में दोनों रे को देखोगे ना तो बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है, तुमको उतना परेशान नहीं करना होना है, एक रे एक पॉइंट से एक रे निकालो, ठीक है। इसको अभी दूसरा रे अभी नहीं बनाना, पहले इसको क्या कर लो, रिफ्लेक्ट करा लो, नॉर्मल बनाओ यहां पर, ठीक है, ये जितना एंगल पे एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर्म किया उसी एंगल पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन करवा दिया, कोई दिक्कत। अब देखो दूसरा रे यहां से निकालो फिर से, अब ये बन गया मेरा, इस पे फोकस नहीं करना, अब इस दूसरा रे निकालो, थोड़ा सा बगल से जाओ और फिर से वहां पे जिस पॉइंट पे टकराया वहां पे नॉर्मल बना दो, ठीक है, और इसी पॉइंट से फिर जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस था उतने ही पे रिफ्लेक्ट करा दो। देखो दो नॉर्मल बना N1 और ये क्या कहलाएगा N2, ठीक, ये दोनों नॉर्मल से दो रे रिफ्लेक्ट किया और जिस पॉइंट पे ये हमारा प्यारा सा क्या है, हमारा प्यारा सा आंख, ठीक है, आई, ये आई बनाया गया है, देखो ये आंखों की पुतलियां हैं, ठीक है, और ये पता नहीं क्या शेप दिया गया है, अंदर से कुछ ऐसा ही दिखता होगा, ठीक है, मतलब ये तो रफ डायग्राम है, ऐसे आई बनाया गया, ये दोनों रे ऑफ लाइट हमारे आंखों में इस तरह से आया। अब क्या यहां पे देखो असली खेल यहीं पे है, लाइट रे समझना, लाइट रे यहां से आया रिफ्लेक्ट इधर को किया हमारे आंखों में आ गया, लेकिन क्या हम लोग को अब ये यहां पे दिखेगा, नहीं, हम लोग को एक्सटेंड करना पड़ेगा अपना, ये दोनों लाइट रे को एक्सटेंड करना पड़ेगा, ये जो रे हमारा यहाँ से आ रहा है हम लोग को कहाँ से लगेगा बाबू, कहाँ से आया, यहाँ से आया, ठीक है, हम लोग को तो सीधा दिखेगा ना, हम लोग को क्या, हमारा आँख तो मासूम है, ठीक है, जो दिखाता है वो देख लेता है, कुछ बनावटी, देखो हमेशा आँख से देखा हुआ चीज़ का विश्वास ज़्यादा होता है कान से सुना हुआ बात का, तुमको आके कोई कुछ भी बोल सकता है लेकिन अगर तुम आँख से कोई चीज़ देखे हो तो वो ज़्यादा विश्वास वाला चीज़ होता है, तो आँख हमारा बहुत मासूम सा बच्चा है, उसको अगर कोई चीज़ यहाँ पे दिख रहा है ना, अगर आँखों को हमारा कोई चीज़ इस पॉइंट पे दिख रहा है तो उसको हम लोग मानेंगे कि सीधा ही है वो कहीं पर, वो उसी पाथ पे कहीं पे रास्ते में आगे है, भले वो है यहाँ लेकिन लग रहा है कि यहाँ है, ठीक है। और जो दूसरा रे हमारे आँखों पर आया वो इस पॉइंट से क्या करेंगे, फिर से वही सीधा पीछे ले जाएंगे, ठीक है, और जहां पे दोनों रे हमारे आंखों को लग रहा है कि मीट कर रहा है उस जगह पे हमारा इमेज आई बनेगा, यहां पे क्या बना, इमेज आई, देखो दो रे आया, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करते हुए टकरा करके हमारे आंखों में आया, बट हमारे आंखों को वो कहां दिखेगा, पीछे साइड, मतलब मिरर के बैक साइड में दिख रहा है, एक्चुअली में तो वो सिल्वर पॉलिश्ड है, ठीक है, लेकिन उसका इमेज उसी जगह पे लग रहा है कि अंदर में। अब एक चीज, जो ऑब्जेक्ट और मिरर है बाबू, जो ऑब्जेक्ट और मिरर है ये दोनों को अगर हम लाइन मिलाएंगे तो हमेशा समझना कि ये वाला पार्ट
ये पार्ट हमेशा बराबर होगा इस पार्ट से, मतलब ऑब्जेक्ट से जितना मिरर का दूरी रहेगा उतने ही इमेज का भी मिरर से दूरी रहेगा डिस्टेंस। हाँ, तुम अपने आईना में अपने आप को खड़ा करके देखो ना, तुम जितना दूर मिरर से हो उतना ही तुम पीछे दिखोगे, मिरर के अंदर दिखोगे। तुम सामने आते जाओ, सामने आते जाओ, सामने आते जाओ, तुम्हारा इमेज भी सामने आते जाएगा। तुम दूर जाओ, तुम्हारा इमेज भी दूर जाएगा। आज घर में जाके ये खेल खेल के देखना, ठीक है? तो ऑब्जेक्ट मिरर के जितना सामने जाओगे उतना इमेज भी सामने आएगा। अगर मान लो मिरर में तुम जाके सट गए, चिपक गए, तो तुम्हारा इमेज भी आके चिपक जाएगा तुमसे। ये नाक सटा के देखना, ठीक है? नाक सटा के देखना अपना इमेज मिरर में। जैसे उंगली, चलो नाक छोड़ दो, नाक से फिर देखने में दिक्कत होगा। उंगली सटाना, जैसे ये मिरर है, यहाँ पे यहाँ उंगली रखना, देखना सामने वाला जो इमेज है वो भी आ करके एकदम चिपक जाएगा। हाँ, ठीक है? मिरर लेके मिरर का तो भाई अलग सा स्वैग है, एकदम फोटो खींचो, सेल्फी मारो मिरर के सामने, ठीक है? सेल्फी भी नहीं होता वो एक्चुअली देखो, वो वाला कॉन्सेप्ट जो है आईफोन के लिए ही जनरेट हुआ था। आईफोन के लिए, आईफोन वाले क्या करते थे, अपना वो जो कटा हुआ सेब दिखाने के लिए मिरर के सामने सेल्फी फोटो खींचना स्टार्ट किए। अब वो शो ऑफ के लिए था। अब हम लोग इंडिया में गरीब आदमी भाई, ठीक है, सबके पास तो, हम लोग के पास तो आईफोन है नहीं। हम लोग क्या किए, बस चलो जो है कोई दिक्कत नहीं, उसी से काम चलेगा। सकल आईफोन से काम है क्या, उससे ज़्यादा महंगा हम लोग, ठीक है? आईफोन तो बस 1.5 लाख में आ जाएगा, ठीक है? लेकिन हम लोग करोड़ों के हैं भाई, अपने लिए तो एटलीस्ट करोड़ों के हैं, ठीक है? तो देखो, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। लाइट रे इस तरह से आया, टकरा के आंखों में गया, अपीयर किया यहाँ पे। और जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा याद रखना यू से डिनोट होता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे सब चीज़। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा क्या चीज़ से डिनोट होता है, स्मॉल यू। और जो इमेज का डिस्टेंस है वो क्या चीज़ से डिनोट होता है, स्मॉल वी, ठीक है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू, तो यहाँ पे हमेशा मिरर में यू इज इक्वल्स टू बी बनेगा, मतलब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस इज इक्वल्स टू इमेज का डिस्टेंस। बहुत सिंपल है। और एक चीज़, ऑब्जेक्ट और इमेज को अगर हम लोग लाइन को ज्वाइन कर देंगे, अगर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट, देखो ये पॉइंट जितना ऑब्जेक्ट है, हम लोग एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट भी आगे पढ़ेंगे, ठीक है? पॉइंट ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे एक जो पॉइंट ऑब्जेक्ट से इमेज तक का जो डिस्टेंस है उसको, जो उसका जो एक लाइन खींचेंगे वो मिरर के साथ परपेंडिकुलर होगा। ये क्या बना रहा है, ये यहाँ पे परपेंडिकुलर बना रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि मिरर MM डैश इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज, OI। सही बोली थी, OI, हम पूरा फुल फॉर्म में बोल रहे हैं। MM डैश क्या है, लाइन ज्वाइन जो कर रहा है ऑब्जेक्ट और इमेज का, उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना, ठीक है? ये अगर लिखा हुआ नहीं होगा तो लिख लेना बगल में, कि द मिरर इज द परपेंडिकुलर, इज द परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग, कौन सा लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, लाइन ज्वाइनिंग द ऑब्जेक्ट एंड द मिरर, है ना? लाइन ज्वाइनिंग द ऑब्जेक्ट एंड द मिरर, क्या, हाँ सॉरी, लाइन ज्वाइनिंग द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज होगा। सिंपल, ये एक पॉइंट हम लोग समझ गए। और ये तो खैर इसी से हम लोग बता दिए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोल दे रहे, बाइसेक्टर का मतलब ही तो हो गया यू इज इक्वल टू वी, है ना? तो तुम लोग को समझ में आया, जो मिरर है अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे है और इमेज यहाँ पे है, दिस इज ऑब्जेक्ट दिस इज इमेज, और इसके लाइन को ज्वाइन कर देंगे तो मिरर हमेशा उसका परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करेगा,
ये मिरर है, ये इन दोनों को बराबर बराबर तो बाइसेक्ट करेगा ही, मतलब इक्वल टू इक्वल हाफ में तो बांटेगा ही, लेकिन परपेंडिकुलरली भी बांटेगा, तो इसीलिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। समझ में आया, क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, रे डायग्राम भी समझ गए कि कैसे एक पॉइंट ऑब्जेक्ट का हम लोग रे डायग्राम का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। और ये इस तरह का इमेज को हम लोग क्या स्क्रीन पे उतार सकते हैं, नहीं, इसलिए ये वर्चुअल इमेज है। ये सब चीज़ समझ गए, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय अ प्लेन मिरर, हम लोग का ये कॉन्सेप्ट हो गया पूरा। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है इमेज ऑफ एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट या फिर फाइनाइट ऑब्जेक्ट, ठीक है, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का इमेज, ठीक है। ये हम लोग आज लास्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में बाकी का काम कर लेंगे, ठीक है। ये चीज़ समझ लो, बोलोगे तो हम रे डायग्राम समझा देंगे, नेक्स्ट क्लास में पूछ एक बार बना करके चेक करना बिना देखे, ठीक है, बहुत सिंपल है, बन भी जाएगा ये टॉपिक, बस देख लो। इमेज ऑफ एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट हम लोग क्या बनाने वाले हैं, अब इमेज एक एक्सटेंडेड, अभी हम लोग किसका बनाए थे, इमेज पॉइंट ऑब्जेक्ट का बनाए थे ना, एक पॉइंट के बराबर था, अब एक्सटेंडेड एक खींचा हुआ ऑब्जेक्ट का बनाएंगे। बस ये देखिए, ये है एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, ये मेरा ये ऑब्जेक्ट है। अब देखो इसको कैसे कंसिडर करना, ना दो पॉइंट के रूप में कंसिडर करना, हाँ मतलब दो ऑब्जेक्ट नहीं, एक ही ऑब्जेक्ट है, पॉइंट दो तो कंसिडर कर लेना तुम। ये एक पॉइंट हो जाएगा, ओ भाई ये एक पॉइंट हो जाएगा और ये एक दूसरा पॉइंट हो जाएगा। ऑब्जेक्ट का टॉप एक पॉइंट और ऑब्जेक्ट का बॉटम एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट है ना। अब जिस तरह से हम लोग एक पॉइंट का इमेज फॉर्म किए, उसी तरह इसमें दो पॉइंट है, दोनों का इमेज फॉर्म कर दो, ऑब्जेक्ट बन जाएगा मेरा, देखो किस तरह से। अब इसमें क्या करना, ना दोनों टेढ़ा मत लाना, इसमें दोनों एक लाइन सीधा लाना। ये देखो एक लाइन मेरा गया, एक लाइन मेरा गया सीधा, समझना एक लाइन मेरा गया सीधा। अब क्योंकि ये परपेंडिकुलर है तो वापस उसी पथ पे आ गया, ठीक है, और एक लाइन गया मेरा टेढ़ा, कितना भी टेढ़ा कर सकते हो, तुम्हारे ऊपर है, ठीक है। और ये इधर को रिफ्लेक्ट कर गया क्योंकि यहाँ पे बना नॉर्मल N1, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो किया, ये इस तरह से गया और इस तरह से टकरा करके वापस आ गया, सिंपल है। अब देखो ये जो है ये इस पॉइंट पे ये सीधा आ रहा है, तो ऑब्जेक्ट इमेज कहाँ पे लगेगा इसका, इस पॉइंट का इमेज कहाँ पे लगेगा, इस पॉइंट का इमेज हम लोगों को लगेगा कि ये यहाँ पे फॉर्म कर रहा है ना, आगे चला गया, और ये पॉइंट जो यहाँ आ रहा है ये लाइन को सीधा पीछे खींच देंगे, ठीक है, तो लगेगा कि यहाँ पे आ रहा है। एक पॉइंट हमको इस पॉइंट का अगर ऑब्जेक्ट है तो इसका इमेज इस पॉइंट पे मिल गया हमको। अब यही काम बेस के लिए करना है, बेस वाला पॉइंट जो दूसरा पॉइंट लिए, ठीक है, ये एक लाइन सीधा गया, ठीक है, ये क्योंकि सीधा गया तो उसी पाथ पे वापस आ गया, ठीक है, और एक लाइन मेरा टेढ़ा गया तो यहाँ पे हम लोग नॉर्मल टू बना दिए और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करते हुए इधर आ गया, ठीक है। अब देखो एरो से इंडिकेट कर दो, ये पाथ ऐसे गया था और टकरा करके इधर रिटर्न बैक हो गया। अब इसका इमेज कैसे बनेगा, देखो ये इस पॉइंट पे टकराया ना, सीधा आ रहा था तो इसका इमेज भी लगेगा कि पीछे है उतना ही दूरी पे, ठीक है, और ये इधर आ गया ना तो इसको पीछे खींच दो तो लगेगा इसका इमेज यहाँ पे बन रहा है, तो मेरा दो पॉइंट बन गया। अब यहाँ पे भी तो हम दो पॉइंट कंसिडर किए थे, तो यहाँ पे भी मेरा जो इमेज बना वो दो पॉइंट को मिला दो, ये बन गया मेरा इमेज, दिस वॉज ऑब्जेक्ट एंड दिस वॉज इमेज। तो एक्सटेंडेड पॉइंट अगर रहे, एक्सटेंडेड लाइन का अगर रे डायग्राम फॉर्म करना रहे तो कुछ नहीं करना है, दो एंड पॉइंट से दोनों एंड पॉइंट्स को अपना अपना सेपरेट सेपरेट समझ करके, पॉइंट ऑब्जेक्ट के जैसा ही समझ करके उसका इमेज फॉर्मेशन करवाओ, और जहाँ पे दोनों इमेज बनेगा उसको ज्वाइन करा के इमेज बना दो एक्चुअल इमेज। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, ये दोनों रे डायग्राम कॉपी में नेक्स्ट क्लास बना करके आओगे, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हुआ और इसमें बस वही स्टेप्स बताया गया, तो हम तो डायरेक्टली बता दिए तुम लोग को नेचर ऑफ द इमेज, नेचर कैसा होगा, द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, इरेक्ट का मतलब सीधा, इरेक्ट मतलब इरेक्ट बोलो, दो वर्ड आता है इसके लिए, इरेक्ट या फिर अपराइट, नहीं नहीं इनवर्ट तो इसका उल्टा हो गया,
ये सेम मीनिंग, कहीं कहीं तुमको इरेक्ट भी देखने को मिलेगा, कहीं कहीं अपराइट मिलेगा, ये दोनों का मतलब ही होता है सीधा, इन्वर्टेड मतलब उल्टा, ठीक है। तो प्लेन मिरर हमेशा क्या बनाता है, इरेक्ट या फिर अपराइट, दोनों नाम फेमिलियर हो जाओ, बहुत बार यूज होने वाला आगे, ठीक है, अपराइट एंड या फिर इरेक्ट, ठीक है। साइज, साइज कैसा बनेगा, साइज ऑफ द इमेज फॉर्म द प्लेन मिरर इज इक्वल टू दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, तुम जितना बड़े हो उतना ही बड़े दिखोगे, ठीक है, उसे ना छोटा होगे ना बड़ा होगे, ठीक है, जितना तुम्हारा हाइट उतना ही तुम्हारा ये। तो साइज हमेशा याद रखना, सबसे पहला तो वर्चुअल था, सबसे पहला तो वर्चुअल था, दूसरा इरेक्ट था, और तीसरा इक्वल था, ये तीन चीज तुम लोगों को याद रखना है, वर्चुअल, इरेक्ट एंड इक्वल, वेरी गुड। अब हम लोग पोजिशन ऑफ द इमेज फॉर्म नेक्स्ट क्लास में, ऐसे ये छोटा सा पॉइंट है ये कर सकते हैं, पोजिशन क्या होगा, जितना दूर ऑब्जेक्ट है उतना दूर इमेज, ये बता चुके हैं तो इसलिए ये कर ही लेते हैं। द इमेज फॉर्मड इन अ प्लेन मिरर इज और एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ द मिरर, पोजिशन भी क्लियर। तो हम लोग क्या कर लिए, नेचर डिस्कस कर लिए, नेचर क्या था, वर्चुअल, इरेक्ट एंड इक्वल, ठीक है, और पोजिशन क्या था, द सेम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस, शॉर्टकट में बोल सकते हैं यू इज इक्वल टू वी, ठीक है। अब आगे का कॉन्सेप्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, लैटरल इन्वर्जन वगैरह, ठीक है, छोटा सा पार्ट इसमें, छोटा सा टॉपिक बच गया, और यूजेज ऑफ प्लेन मिरर, तो हम लोग बहुत हद तक आज कर लिए, इतना कम से कम नोट्स प्रिपेयर करते जाओ हर क्लास के साथ, ठीक है, और वीडियो तुम लोग को यूट्यूब में मिल जाएगा अगर रिविजन करना है या कुछ चीज़ छूटा तो, ठीक है, चलो बाय बाय, टाटा।